नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हार्ट के विषय में आज महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस को इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम फिंगर के साइज की चर्चा की जाए हाथ के कंपेरिजन में, तो वो नॉर्मल है, ना ज्यादा शॉर्ट है या ना ज्यादा लॉन्ग है। ऐसे लोग जो है काम निकलवाने में माहिर होते हैं, इनके काम जो है कभी नहीं रुकते, और कहीं ना कहीं जो है एक जुगाड़ वर्ड का यूज किया जाता है, तो वो जुगाड़ू बंदे होते हैं। जुगाड़ से अपना काम ऐसे लोग निकलवाते हैं जो है काम नहीं रुकते, और पेशेंस जो है लेवल बहुत अच्छा ऐसे लोगों में यहाँ पर जो है पाया जाता है। फिंगर के बीच में हल्का हल्का जो है गैप मेंटेन हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा जो है इंडिपेंडेंट अप्रोच इनका रहेगा। खुले में जीना, स्वतंत्र जीना ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद है, किसी के अंडर में रह करके ऐसे जो लोग हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। लिटिल फिंगर की लेंथ भी जो है तकरीबन ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर को तकरीबन टच कर रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति में अच्छा होता है। वहीं देखा जाए तो थोड़ा जो है कहीं ना कहीं केयरिंग पर्सनैलिटी में कमी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत यहाँ पर नीचे साइज में जो है फिंगर के जो है सेटलमेंट देखा जा रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज्यादा है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जिसके कारण सन की क्वालिटीज आपके अंदर ज्यादा रहेगी, यानी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, रॉयल्टी और रेस्पेक्टिव पर्सनैलिटी। आप जैसे लोग दूसरों की चीजों को या किसी भी चीज को अपने तरह से व्यक्त करते हैं, अपना तरह बता करके उस चीज को किसी के सामने जो है प्रस्तुत करते, तो वो चीज लोगों को बड़ी लुभावनी लगती है, और इस कारण से ये एक आर्टिस्टिक क्वालिटी क्रिएट करता है, जिसके कारण आपके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा आर्ट रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि कला रहेगा, जिसको अगर आप लोगों के सामने लाएं या फिर बाहरी दुनिया में लेके आए, तो आपको लाइफ में फेम पॉपुलैरिटी के लिए कभी जूझना नहीं पड़ेगा, वो बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी यानी अपने इज्जत सम्मान के आप बहुत प्यारे रहेंगे और आपको बखूबी मिलेगा भी सही। और रॉयल्टी मतलब राजशाही जिंदगी जीना, रॉयल रखना, लग्जरी सुख सुविधाएं रखना, और ये आपको बखूबी सब ये सब जो है मिलेगा। नौकर चाकर भी आपके सामने जो है आपके रहेंगे। दूसरा ये है कि जिस भी सोसाइटी में जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे, अपना खुद का एक प्रॉपरली बहुत बेहतरीन आपका इमेज क्रिएट होगा, उसमें कोई कमी नहीं है। और फिंगर के ऊपर जो है मैं सीधी खड़ी रेखा जो है देख पा रहा हूँ, ये रेखा है थोड़ी निम्न है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा होना तब भी फ्रेंडली नेचर की निशानी है, मिलनसार स्वभाव के व्यक्तित्व को जो है प्रदर्शित करती है। मेन बात यह है कि आप जो है बहुत नियमित तौर पर जो है मित्र रखेंगे, बहुत चुने गए मित्र रखेंगे, इन सब मामलों में आपको जो है बहुत एनालिटिकल पर्सनैलिटी बन जाता है। यहाँ पर आपके कुल मिला के पाम के साइज के विषय में चर्चा की जाए, तो पाम का साइज जो है बेसिकली आपका यहाँ पर रेक्टेंगुलर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आप बोल करके जीवन में ज्यादा कार्य करने वाले होंगे। आप बोलते बोल ज्यादा है कार्य करने के कंपेरिजन में, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उससे कम रह जाते हैं, तो ये रहेगा आप में। और आते हैं सर्वप्रथम अब यहाँ पर पर्वतों के विषय में, तो अंगूठे के लेंथ की चर्चा की जाए, तो अंगूठा आपका शुभ है, मतलब ये है कि खुद का प्रॉपरली स्टैंड ले जो है लेने आप जो है लेने वाले रहेंगे। आन बान शान आपके अंदर बखूबी है, और बहुत अच्छे वक्ता भी साबित होंगे, और एक जो इच्छा शक्ति आपके अंदर अच्छी रहने वाली रहेगी। आते हैं पर्वतों के विषय में, तो गुरु पर्वत थोड़ा कम स्पेस ले रहा है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन से थोड़ी असंतुष्टि या फिर कमी जो है देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो है हल्का सा रेक्टेंगल शेप बन रहा है, परंतु ओपन है, जिसके कारण लाइफ में धन तो मनी तो बहुत अच्छा आएगा, परंतु वो रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो यही सजेस्ट करता हूँ आप जैसे लोगों को आमतौर पर, कि जब भी धन है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया करें, तो वो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और बढ़ेगा भी। आते हैं अब यहाँ पर शनि पर्वत के विषय में, तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जिसके कारण चिंताएं जो है जीवन में ज्यादा आ जाती है, उदासीनता ज्यादा रहती है, परंतु रेखाएं जो है यहाँ पर पहुंच रही है शुभ है, परंतु तब भी आपको शनि के उपाय करने चाहिए। मैं इसका बीज मंत्र आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, शनि के आपको बीज मंत्र करने चाहिए, क्योंकि भाग्य रेखा का प्रारंभ हुआ, परंतु बीच में देखिए कितना कमजोर हो गया है, फिर आगे चल के फिर मजबूत हुआ है, लेकिन फिर कमजोर हुआ है। तो बीज मंत्र जाप करने से ये है कि और शनि के उपाय करने से आपका भाग्य जो है, भाग्य जो आपका है ये मजबूत होगा, और दिन दुगनी रात चौगुनी आप उन्नति करने वाले रहेंगे, और जीवन में अभी जितनी कष्ट, परेशानी, तनाव, मानसिक तनाव, उलझन, अपवाद,
ये जितनी दिक्कत परेशानी है सब के सब दूर हो जाएगी मात्र ये उपाय करने से। बस ये है कि आपकी खुद को उसमें बिलीव होना चाहिए। इच्छा शक्ति जैसे दिख रही है प्रबल है, तो इच्छा शक्ति को आप कुछ टाइम यहाँ लगा के देखिए, आपको 10 दिन के अंदर परिणाम जो है बखूबी दिखने लग जाएंगे। तो उपाय आपको करना जरूरी है। सब नॉर्मली यही बोलते हैं कि आप उपाय बताओ, मैं बता देता हूँ। व्यक्ति करता नहीं है तो कहाँ से उसको रिजल्ट मिलेगा? तो आपने अगर सुधारने हैं अपने आप को तो ये करना बहुत जरूरी है। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करते हैं उसके पहले, यहाँ पे लूप ऑफ सीरियसनेस जैसी आकृति बन रही है जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा सा सीरियस रहता है, लाइफ ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड आप जैसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं और होते हैं। वहीं ज्यादा समूह में उठना बैठना, हंसी मजाक करना या भीड़ करना, भीड़ में रहना, ये सब पसंद नहीं आता ज्यादातर। और सूर्य पर्वत नॉर्मल है परंतु रेखाएं जो है यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि उलझी हुई है, कटी कटी है और एक से अत्यधिक रेखा है। तो सूर्य पर्वत सर्वप्रथम आपके आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। तो आत्मविश्वास आपके अंदर कुल मिला के नॉर्मल रहने वाला है, और इस प्रकार की रेखाएं थोड़ा खराब होती है, ये व्यक्ति को कंफ्यूजिंग माइंड बना देती है। व्यक्ति खुद के बलबूते पर ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाते, दूसरे का सपोर्ट, दूसरों की राय विमर्श आप जैसे लोग ज्यादा लेते हैं और बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाने वाले होते हैं, जिसके कारण किसी भी एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते, स्पेशलाइजेशन की भी कमी पाई जाती है। वो कारण यही है। सूर्य के भी उपाय करना जरूरी है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता। सर्वप्रथम आपको मेडिटेशन कर लेना है, और कहीं ना कहीं आप जो शनि के उपाय करेंगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये सब भी जो है कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे। बुध पर्वत यहाँ पर नॉर्मल है, और जहां तक हृदय रेखा की चर्चा की जाए तो हृदय रेखा का प्रारंभ हो रहा है गुरु पर्वत के एंड से, मेनली जो है शनि पर्वत से होते जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस, करियर फोकस रहेंगे, प्रैक्टिकल माइंड भी आपका रहेगा, साथ ही साथ आप मनी को लेकर के बहुत ज्यादा ही सोचने विचारने वाले होंगे। आपके दिमाग में हमेशा मनी 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 ही रहेगा। आप जैसे लोग मनी के विषय में बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं और आपके जो प्रयास होते ज्यादातर मनी के लिए होते हैं। बेसिकली इस टाइम पे सभी का मनी का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दूसरों के कंपैरिजन से ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज नहीं देखने को मिल रहे जिसको मैं आपके सामने बात करूं। और माइंड लाइन के विषय में चर्चा कीजिए तो माइंड लाइन देख पाएंगे कि लॉन्ग है परंतु इंडिपेंडेंट है। तो ये है कि बचपन से या फिर कह सकते कि रहने खाने पीने सोचने चलने में स्वतंत्रता बढ़िया रूप से मिली है। माइंड लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, यानी सीधे तौर पर लोगों से अपनी बात रखने वाले रहेंगे। ज्यादा घुमा फिरा करके बातें करना या फिर बातें सुनना जो है पसंद नहीं आता। शार्प माइंड रहेगा, इंटेलिजेंट रहेंगे, चीजों को जल्दी से कैच कर लेने वाले रहेंगे। आप जैसे लोग बेसिकली बिजनेस को हटा करके जॉब में जो है अच्छे से मतलब जो है परफॉर्म करने वाले होते हैं। परंतु अभी बिजनेस के विषय में भी चर्चा करते हैं। जहां तक यहाँ पर मानसिकता की चर्चा की जाए तो माइंड लाइन में कोई जो है प्रॉब्लम ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो चिंता है, जो इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना जो दुखी मन है, उदासीनता है, वो सिर्फ जो है शनि के कारण ही है। आपने इसीलिए मैंने बोला एक झलक में हम लोग देख के बता देते कि हाँ भाई क्या कमी है, किसका उपाय करना, तो वो एक झलक सीधे गई शनि पर्वत पे। वो कमजोर है, मतलब हर चीज व्यक्ति के अंदर हर काबिलियत होने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है उसके किस्मत में। किस्मत के ही साथ नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा व्यक्ति? तो वो आपको जो है मजबूत करना आवश्यक है। क्या इसमें किस्सा क्या बैठ रहा है कि लक लाइन आप देख पाएंगे कि लक लाइन का प्रारंभ हुआ है चंद्र के क्षेत्र से, और इस प्रकार से लक लाइन गई है बहुत शुभ। लेकिन क्या हुआ कि 30 एज के बाद में जो है ये कमजोर होना शुरू हुई, और 35 के ड्यूरेशन में आके बिल्कुल मिट ही गई। फिर तकरीबन 37-40+ में आकर के वापस प्रारंभ हुई, पर वापस से कमजोर हुई। फिर उसके बाद से इस प्रकार से मतलब ये है कि गाड़ी को खींच खींच के काम चलने वाला उसके बाद का मामला है। तो भाग्य का, किस्मत का संयोग 30 की उम्र तक अच्छा है, परंतु उसके बाद से कमजोर होना प्रारंभ हुआ है, और आगे अभी तो और भी कमजोर है। इसीलिए
शनि के उपाय करना जरूरी है, इसीलिए भाग्य कमजोर हो रहा है, इसीलिए इतना दिक्कत परेशानी जीवन में आ रहा है। तो ये रीजन है बेसिकली वैलिड, जिसके कारण है। बाकी माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको मैं जो है प्रदर्शन करूं यहाँ पे। और लाइफ लाइन के विषय में आए तो लाइफ लाइन इस प्रकार से चल रही है, प्रोग्रेस हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से शाखा है। लाइफ लाइन में अभी भी आप देख पाएंगे कि फ्लो अच्छा है, उम्र भी अच्छी है, और जो ज्यादा कष्ट भी जो है देखने को मिल रहा है वो भी तकरीबन 30s के एज में जो है देखने को मिल रहा है, जो कि आ रहा है यहाँ पर मंगल के क्षेत्र से। तो मंगल के क्षेत्र से आने वाली रेखा सीधे सीधे जो है फ्यूचर से रिलेटेड चिंताओं को ही व्यक्त करती है कि व्यक्ति का आज का दिन तो निकल गया, परंतु आने वाला समय कैसे निकलेगा, क्या होगा, उसकी चिंता है। तो वो जो है देखने को मिल रही है और वही लाइफ में चल भी रहा है। बाकी मंगल का क्षेत्र शुभ है, शारीरिक गठन बल जो है अच्छा रहेगा। शुक्र भी शुभ है, लग्जरी जो सुख सुविधा के साधन भी कुल मिला के जो है पर्याप्त मात्रा में अच्छे रहेंगे। और केतु का पर्वत भी शुभ है, यात्रा हो उसके द्वारा अच्छा शुभ, मतलब जो यात्रा रहेगी शुभ फलदायक रहेगी। मंगल है ये यहाँ पे जो चंद्र है ये भी शुभ है, मन जो है आपका जो है अच्छा रहेगा, आपका सकारात्मकता आपके अंदर रहेगी, और वही आड़ी रेखा विदेश यात्रा भी आपके योगों को व्यक्त करती है। यहां से निकली हुई इस प्रकार की लाइनें जो है बिजनेस लक ही है, जो कि बिजनेस में थोड़ा कहीं ना कहीं करियर को शो करती है। प्रोग्रेस भी अच्छा मिलेगा, भाग्य को मजबूत करने की देरी है। मनी ट्रायंगल यहाँ पर है परंतु ओपन है थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से, जिसके कारण थोड़ा सा भी इसमें लीक ओपन हो तो लीकेज कहते हैं, इसे लीकेज शो करता है मनी का। धन तो जीवन भले ही अच्छा आता है, बहुत बहुत अच्छे मात्रा में आता है, परंतु रुक नहीं पाता, सदुपयोग नहीं हो पाता, तो ये जो है कमी है इसी कारण से। तो आपने बस इसको मजबूत करना, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश करी। किसी और का कुछ भी प्रश्न रह गया हो जरूर पूछे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।